नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर। इस वीडियो में आपको प्लाज्मा थेरेपी, जो कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी जानकारी दूंगा। पिछले साल भर से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के बहुत लोग एग्रेसिव हैं कि इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और बहुत लोग इसका डोनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन प्लाज्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको जानना आज की तारीख में ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी लोगों पर काम नहीं करती है। अगर ये काम कर रही थी तो क्यों कर रही थी, और अब नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। अगर हम इसके बारे में समझें कि प्लाज्मा है क्या, तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या आ गई है। प्लाज्मा कुछ नहीं है, आपके बॉडी में जो प्रोटीन सर्कुलेट हो रहा है, जो एंटीबॉडी सर्कुलेट हो रही है, बेसिकली वही है। आप अगर कोविड से इन्फेक्टेड हो गए तो आपके ब्लड में उसकी एंटीबॉडीज आ जाती है। आप जब प्लाज्मा डोनेट करते हो, उस प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज आ जाती हैं, और किसी भी ऐसे मरीज को जिसको कोविड इन्फेक्शन हो गया है, उस प्लाज्मा के थ्रू वो एंटीबॉडीज चली जाती हैं और उसमें उस वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो ये वायरस आपके शरीर में शुरुआती 7 दिनों के अंदर ही ग्रो होता है। तो अगर आपको प्लाज्मा शुरू के पहले दिन, जब आपको बुखार आया, ये गले में खराश हुई, खांसी हुई, शुरू के 5 दिन के अंदर अंदर अगर प्लाज्मा लगाया जाए तो शायद आपको इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन हम लोग प्लाज्मा थेरेपी को उन मरीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। ये वो मरीज हैं जो 8 से 10 दिन खराब कर चुके हैं और उनके शरीर में अब वायरस है ही नहीं, तो दूसरे का चढ़ाया हुआ प्लाज्मा उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, नहीं काम करने के साथ इसकी कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो मरीज और फेस करते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब भी हम कोई ब्लड कंपोनेंट, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट, ब्लड, जब भी हम किसी को चढ़ाते हैं किसी और के शरीर से, तो वो क्योंकि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, तो शरीर उसे दूसरे बॉडी की तरह या एंटीबॉडी की तरह समझता है, जैसे हम वायरस ही मान लें उसे एक तरीके का, और अपने खुद के रिएक्शंस पैदा होने लग जाते हैं। उन रिएक्शंस के चलते हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, और भी सारी दिक्कतें हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, बॉडी में सूजन बढ़ सकती है, ब्लड क्लॉट बढ़ सकते हैं। बेसिकली वही चीजें जो वायरस कर रहा है, उन्हीं चीजों को प्लाज्मा भी बढ़ा सकता है। तो प्लाज्मा के अपने साइड इफेक्ट हैं। प्लाज्मा थेरेपी कामयाब है उन लोगों के लिए जो शुरू के 5 दिन के अंदर अंदर जब उनको इन्फेक्शन हुआ है तब ले लें। लेकिन प्लाज्मा चढ़ाया उन्हीं लोगों को जा रहा है जो सीरियसली बीमार है, और क्योंकि प्लाज्मा अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही चढ़ सकता है, तो अस्पताल के अंदर पहुंचने वाला मरीज बहुत लेट होता है, और उसके लिए प्लाज्मा चढ़ाना एक कामयाब थेरेपी नहीं है। इसीलिए इतना विवाद प्लाज्मा को लेकर के उठ रहा है। हाँ, प्लाज्मा आप अपना खुद का बिल्ड कीजिए, आपकी अपनी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाएगी वो सबसे बड़ी क्षमता है, और ये एंटीबॉडीज और प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन है और कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लीजिए, एक एवरेज आदमी को 60 से 70 ग्राम अगर वो प्रोटीन ले रहा है, तो उसके प्लाज्मा में प्रोटीन का कंसंट्रेशन वैसे ही बहुत हाई रहेगा और उसकी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता वैसे ही हाई रहेगी, तो आपको किसी और की प्लाज्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका खुद का प्लाज्मा इतना स्ट्रांग होगा कि वो बीमारी को लड़ सके। प्रोटीन को डाइट में बढ़ाने के लिए आप अंडे ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, और मोटा अनाज जैसे मक्का और बाजरा हो गया, ये आपकी डाइट के रेगुलर पार्ट होने चाहिए। रेगुलर क्यों? क्योंकि शरीर में प्रोटीन स्टोर नहीं होता, ये आपको रोज लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक दिन प्रोटीन खा लिया, चिकन खा लिया हफ्ते में एक दिन, तो उससे मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी, मेरी लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये अपनी गलत फहमी में। आपके शरीर में सिर्फ फैट स्टोर होता है, और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है आपके शरीर में। प्रोटीन्स को आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, इसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में लेना होता है, और अगर आप इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे तो आपके शरीर की लड़ने की क्षमता, यह आपका मान लीजिए आपका प्लाज्मा जो है उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, तो आपको अपने प्लाज्मा की स्ट्रेंथ बढ़ानी। मैं अपनी डाइट में डेली प्रोटीन को शामिल करता हूं, और इसके अलावा जहां मुझे लगता है कि मैं प्रोटीन की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रहा, मैं सप्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोटीन पाउडर भी अपनी डाइट में ऐड कर लेता हूं। मैं न्यूट्रलाइट का प्रोटीन पाउडर लेता हूं, आप अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो भी अच्छा हो।